नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें जहान की। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों से। रमजान में बढ़ती महंगाई से बेहाल पाकिस्तानी जनता, आटा 120% तो प्याज 228% हुआ महंगा। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से मिला भारतीय प्रतिनिधि मंडल, द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति पर हुई चर्चा। या तो इमरान खान मारे जाएंगे या हम, पाकिस्तान के मंत्री का बड़ा बयान। अमेरिका की कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग, 3 लोगों के बीच हुई गोलीबारी में 2 गंभीर रूप से घायल। एलन मस्क की बड़ी मुश्किलें, ट्विटर के सोर्स कोड ऑनलाइन लीक हुए, कोर्ट फाइलिंग से हुआ खुलासा। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान ने की पुष्टि। नेपाल अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर बैठक, आज से आपदा प्रतिक्रिया जैसे मुद्दों पर होगा जोर। पंजाब में मुफ्त आटे की दुकानों पर 2 और लोगों की हुई मौत, 2 दिन में यह दूसरी घटना। मिस्र के मंदिर में मिले 2000 से अधिक भेड़ों की मम्मी, अमेरिका के पुरातत्वविदों ने की खोज। और अब खबरें विस्तार से। रमजान के महीने में भी पाकिस्तान की जनता को महंगाई से राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर SPI के अनुसार पाकिस्तान में मार्च के अंतिम सप्ताह में महंगाई 47% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यह डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पहले से ही परेशानी में घिरी पाकिस्तानी जनता इसमें पिस रही है। भारत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन की अगुवाई में श्रीलंका दौरे पर पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने विक्रमसिंघे को ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने ऊर्जा सहयोग के लिए चिन्हित प्राथमिकता क्षेत्रों की दिशा में कदम उठाने से जुड़े मुद्दों पर सलाह दी। उच्चायोग ने बताया कि भारत की तरफ से श्रीलंका को उपहार में 500 सौर चालित इंडोर कुकिंग सिस्टम भी दिए जाएंगे। कॉरपोरेशन की लंका इंडिया ऑयल कंपनी ने कहा, पेट्रोलियम सचिव के साथ IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने त्रिंकोमाली में स्थित टर्मिनल का दौरा भी किया। पाकिस्तान में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अब आलम यह है कि खुलेआम सत्ताधारी और विपक्ष के नेता एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इसे आप पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह के बयान से समझ सकते हैं। सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अब इमरान खान और उनकी पार्टी PTI सबसे बड़ी दुश्मन है। वह देश की राजनीति को ऐसी स्थिति में ले गए हैं जहां या तो वे मर जाएंगे या हम। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित सैक्रामेंटो काउंटी में रविवार देर रात एक गुरुद्वारे में फायरिंग की खबरें सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 3 लोगों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। इन दोनों की हालत गंभीर है। काउंटी के शेरिफ ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि यह गोलीबारी 3 जानने वालों के बीच हुई है। पुलिस ने इसे हेट क्राइम का केस नहीं माना है, हालांकि मामले की जांच जारी है। ट्विटर सोर्स कोड के ऑनलाइन लीक होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सोर्स कोड वो आधारभूत कंप्यूटर कोड होते हैं जिन पर ट्विटर का पूरा सोशल नेटवर्क काम करता है। इनके लीक होने से ट्विटर का पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि ट्विटर ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज शिकायत के अनुसार ट्विटर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंटरनेट होस्टिंग सर्विस GitHub से अपने सोर्स कोड को डिलीट करने को कहा है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने सोमवार को पूर्वी सागर की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। समाचार रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि सेना मिसाइल की उड़ान दूरी और एपोजी सहित संबंधित विवरणों पर विश्लेषण कर रही है। उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब प्योंगयांग ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के चल रहे सैन्य अभ्यास का कड़ा विरोध किया है जो पिछले सप्ताह शुरू हुआ था। US दक्षिण कोरिया अभ्यास 3 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। नेपाल और अमेरिका की सेनाओं के बीच काठमांडू में 3 दिवसीय द्विपक्षीय थल सेना वार्ता होगी। नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल कृष्ण प्रसाद भंडारी ने बताया कि 27 से 29 मार्च तक आयोजित होने वाली बैठक सैनिकों की क्षमता बढ़ाने, मानवीय सहायता, आपदा प्रतिक्रिया और दोनों सेनाओं के बीच अनुभव साझा करने पर केंद्रित होगी।
गौरतलब है कि यह चौथी ऐसी बैठक है जहां नेपाल और अमेरिका की सेनाएं सैन्य और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगी। नेपाल सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में आपदा प्रतिक्रिया, राहत तैयारियों, नेपाल सेना के जवानों की तैनाती के लिए अमेरिकी सहायता और विभिन्न शांति अभियानों सहित अन्य पर चर्चा होगी। द काठमांडू पोस्ट ने बताया कि एक नेपाली मेजर जनरल और उनके अमेरिकी समकक्ष वार्ता में संबंधित पक्षों का नेतृत्व करेंगे। आर्थिक तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान की पंजाब में एक बार फिर मुफ्त आटे की दुकानों पर दो और लोगों की मौत हो गई। पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ और खैरपुर तमेवाली में अलग अलग घटनाओं में मुफ्त आटा वितरण दुकानों पर एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई। मुजफ्फरगढ़ के जटोई इलाके में जहरा माई नाम की बुजुर्ग महिला भीड़ के कारण जमीन पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिस्र में पुरातत्वविदों ने 2000 से अधिक प्राचीन भेड़ के सिरों की मम्मी खोजी है। पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इन्हें फिरौन रामसेस II के मंदिर में प्रसाद के रूप में छोड़ा गया था। मंदिरों और मकबरों के लिए प्रसिद्ध दक्षिणी मिस्र के एबिडोज में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अमेरिकी पुरातत्वविदों की एक टीम ने श्वानों, बकरियों, गायों, चिकारे और नेवले की मम्मी की भी खुदाई की। और अब खबरें देश से। राहुल की सांसदी छीनने पर कांग्रेस नेताओं का काले कपड़ों में प्रदर्शन। शिंदे गुट के विधायक बोले, साले को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने छोड़ी थी सीएम की कुर्सी। अधिक के साथ गुजरात के साए की तरह चल रही बहन की कार हत्या की जताई आशंका। खालिस्तानी आतंकवादी ने मुख्यमंत्री धामी को कॉल पर दी धमकी, पुलिस की बढ़ी टेंशन। राहुल गांधी जैसे लोग लोकतंत्र के लिए खतरा, ये खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं, भाजपा का बड़ा हमला। किरी पीलीभीत बॉर्डर पर मिली अमृतपाल की आखिरी लोकेशन, पंजाब पुलिस ने डाला डेरा। यूएस में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दी शिकायत। अपहरण केस में दोष साबित हुआ तो अतीक आजीवन जेल में रहेगा, 102 केस दर्ज, पहली बार होगी सजा। एमपी में गाय से टकराकर पलटते पलटते बची माफिया अतीक की वैन, मूछों पर ताव देकर बोला, मुझे कोई डर नहीं। और अब खबरें विस्तार से। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इसके चलते सदन की कार्यवाही पिछले पूरे हफ्ते बार बार स्थगित रही। सोमवार को एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसद आपस में उलझ गए। हालांकि विपक्ष ने इस बार दोनों सदनों में राहुल गांधी की सजा और उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे को उठाया। साथ ही अदानी मामले पर जेपीसी की मांग पर भी अड़े रहे। इस दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला पर पर्चे भी फेंके। इसके बाद जहां लोकसभा शाम 4 बजे तक रही तो वहीं राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के घर पर पिछले साल ईडी ने रेड की थी। इसके बाद से ही चर्चा है कि पाटनकर के मामले की आंच मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे तक आ सकती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक सुहास कांदे ने बड़ा दावा किया है। एक समय ठाकरे परिवार के बेहद खास रहे सुहास कांदे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने अपने साले को बचाने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में सुहास कांदे के हवाले से इसका खुलासा किया गया है। कांदे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तब उन्हें न तो राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए कहा था और न ही उस समय कोई अधिवेशन चल रहा था। इसके बावजूद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने अपने साले श्रीधर पाटनकर को बचाने के लिए दिया था। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाते समय सोमवार की सुबह पुलिस टीम माफिया अतीक अहमद को लेकर झांसी पहुंची। यहां उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस लाइन में रखा गया। अतीक के काफिले के साथ उसके परिवार की महिलाएं भी पहुंची। खालिस्तानी आतंकवादी ने सीएम धामी को कहा कि उत्तराखंड में उनके संगठनों के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके लिए जिम्मेदार वह होंगे। पहले भी कई बार इस तरह से लोगों के पास कॉल आती रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में सिख फॉर जस्टिस संगठन का कोई आधार नहीं है। यहां पर उनके समर्थक भी पुलिस की नजर में नहीं आए। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों को चुनौती देने और उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और खुद को इस सबसे ऊपर मानते हैं। कांग्रेस ने रविवार को राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। अब भाजपा ने भी पलटवार किया है।
भाजपा ने सोमवार को आरोप लगाया कि गांधी परिवार खुद को सबसे अलग मानता है और ये खुद को संविधान से भी ऊपर मानते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने में भाजपा या सरकार का कोई हाथ नहीं है और कानून ने अपना काम किया है। 23 मार्च को अमृतपाल सिंह के मोबाइल की आखिरी लोकेशन खीरी पीलीभीत बॉर्डर पर मिली है। चर्चा यह भी है कि एक पेट्रोल पंप के पास अमृतपाल सिंह की कद काठी का एक व्यक्ति नजर आया है। पंजाब से भागे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भागने की आशंका को लेकर पंजाब पुलिस समेत जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। खीरी पीलीभीत बॉर्डर पर अमृतपाल के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली है। इसके बाद नेपाल सीमा पर पुलिस और जांच एजेंसियों की हलचल बढ़ गई है। शिकायतकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस से खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दायर कर सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश की है। अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर हुए खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। वकील ने अमेरिकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शिकायत की है। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। 2007 में बसपा सरकार आने पर उमेश पाल की ओर से इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को पूरी हो चुकी है और 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। फैसला क्या होगा इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर दोष साबित हुआ तो अतीक समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। अतीक ने मूछों पर ताव दिया और पहले कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन जब उससे दोबारा पूछा गया कि जिस तरह की खबरें चल रही है क्या आपको डर नहीं लग रहा, तो उसने जवाब देते हुए कहा कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। इसके बाद हाथ हिलाते हुए वह वैन की तरफ बढ़ गया। शिवपुरी जिले से होकर गुजरते गैंगस्टर अतीक अहमद का काफिला जैसे ही खराई चेक पोस्ट से होकर गुजरा, वहां अचानक अतीक अहमद की वैन के सामने एक गाय आ गई और यह गाय अतीक अहमद की वैन से टकरा गई, जिससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि वैन पलटने से बच गई। उसके बाद पूरे काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया और उसके बाद ये काफिला यूपी के प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। और अब खबरें उदयपुर से। बाहुबली अतीक की लघुशंका शांत कराने उदयपुर में रुका यूपी पुलिस का काफिला, पूरी रात राजस्थान में चला सफर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुकदमा खारिज हो, जनता युवा सेना ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। मदनलाल हत्या मामले में रेगर समाज ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। और फील्ड क्लब के चुनाव हुए संपन्न, 3582 में से 1995 सदस्यों ने डाले वोट। और अब खबरें विस्तार से। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम ने बीती रात डूंगरपुर बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश किया। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच टीम उदयपुर की ओर निकल गई। यूपी पुलिस अतीक अहमद को प्रयागराज तक लेकर जा रही है। यूपी एसटीएफ के लवाजमे में पुलिस की 2 गाड़ियों के साथ कई अन्य गाड़ियां बताई जा रही थी। पुलिस की एक वैन में अतीक अहमद के साथ हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। यूपी एसटीएफ के लवाजमे में 25 से अधिक गाड़ियां थी जो उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे से निकलकर चित्तौड़ हाईवे की ओर निकल गई। चित्तौड़ हाईवे से बूंदी जिले के डाबी के रास्ते कोटा संभाग में प्रवेश किया गया अतीक अहमद का काफिला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा उदयपुर में नव संवत्सर पर धर्म सभा में दिए गए भाषण के बाद उदयपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद उदयपुर में तमाम हिंदू संगठन विरोध में उतर गए। आज जिला युवा जनता सेना की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार और उदयपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सेना के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह किसी संत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हिंदू संगठनों की ओर से आंदोलन जारी रहेगा। राजसमंद जिले के सोनियाना गांव में मदनलाल की हत्या मामले में उदयपुर में भी रेगर समाज आक्रोशित है। आज रेगर समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मृतक मदनलाल रेगर के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता के लिए प्रदर्शन किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि 24 मार्च को सोनियाना गांव के मदनलाल रेगर के अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी थी। मृतक रेगर घर में अकेला कमाने वाला था, ऐसे में अब परिवार का पालन पोषण होना मुश्किल है।
समाज जन का कहना है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द मृतक मदनलाल के हत्यारों को गिरफ्तार करे, साथ ही सरकार मृतक के परिवार जन को आर्थिक सहायता देने के साथ परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दे। शहर के प्रतिष्ठित फील्ड क्लब के बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में इस बार प्रत्याशियों, समर्थकों और क्लब के मेंबर्स को रात्रि जागरण करवा दिया। चुनाव रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुए, मगर अब की बार मैनुअल काउंटिंग के चलते वोट गिनती में दिन और तारीख भी बदल गए। प्रत्याशियों के चेहरे शुरुआती रुझानों के बाद कहीं खिल गए तो कहीं लाल पीले हो गए, लेकिन अंतिम नतीजों के इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी खींच गई। देर रात 1:15 पर नतीजे घोषित हुए, जिसमें सबसे हॉट सीट सेक्रेटरी पर क्लब के चहेते उमेश मनवानी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए चतुष्कोणीय मुकाबले में अन्य प्रत्याशियों को चारों खाने चित कर दिया। इस मुकाबले में मनवानी का सीधा मुकाबला दूसरे कैंडिडेट डॉक्टर आनंद गुप्ता से था। खबरें जहान की में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।